नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ निफ्टी का एक ऐसा लेवल जिससे आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों अगली एक्सपायरी पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैं अगली एक्सपायरी का मतलब बात कर रहा हूँ मंथली एक्सपायरी में। तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे कैसा पैसा बनाना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करना है और कैसा लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी में, उस लेवल को पकड़ के अगर आप ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आप लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे निफ्टी का चार्ट है और आप निफ्टी का चार्ट पे आप देखेंगे तो निफ्टी में कल भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब जो बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी तो दोस्तों वो क्या संकेत दे रही है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अवर्ली चार्ट पे, पहले मैं निफ्टी का अवर्ली चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी में गिरावट चालू हुई थी। यहाँ से क्यों, क्या रीज़न था, अगर आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे जो मैंने सैटरडे को बनाई थी, जिसका दोस्तों टाइटल है कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको ट्रैप करता है, तो वो यही था कि जब निफ्टी ट्रेड करा रहा था रेजिस्टेंस के ऊपर तो बोल दिया था कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो इस वीक में मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया। अब यह मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया और अगर आप देखेंगे 16,985 का लेवल आ चुका है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस सपोर्ट है, उस सपोर्ट से दोस्तों ये क्या कर सकता है कि एक बाउंस बैक करेगा या फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो वो लेवल मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो यह है कि निफ्टी में अभी फिलहाल मुझे जो ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी तेज़ी मुझे लग नहीं रही है। उसका रीज़न क्या है कि कल भी एक अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा, और अभी मार्केट अगर आप देखेंगे तो वीकली और मंथली में कैसा पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंगली वो जो अगर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ से भयंकर वाली आपको मंदी वहाँ से देखने को मिल जाएगी। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर देखिएगा। ये तो अवर्ली चार्ट है जिसके बारे में लास्ट टाइम हमने बात करी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट से पहले मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि अभी ये जो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी क्या है, ये लगातार क्या ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन, ये जो दिख रही है पिक्चर परफेक्ट अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। अब ये क्या कर रहा है, जो लास्ट वीक की जो कैंडल है, ये वीकली चार्ट है तो इस वीक की जो कैंडल है मैं बोलना चाहूँगा वो पूरी बेरिश कैंडल है, और इस बेरिश कैंडल में क्या है, वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा क्या है, वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम्स किसके हैं, आप सोचिए रिटेलर्स के हैं, आप ये सोचें रिटेलर्स के वॉल्यूम है, रिटेलर्स के वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्मार्ट मनी अब सेल कर रही है, और स्मार्ट मनी जब सेल करती है तो पूरे फोर्स के साथ करती है। पूरे फोर्स के साथ जब स्मार्ट मनी सेल करेगी तो वहाँ पे इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। अब कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये क्या था, अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और अप ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में स्मार्ट मनी ने पूरे फोर्स के साथ सेल करा, जिसमें आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, और ये बेरिश कैंडल में कोई भी डोजी नहीं थी, माफ कीजिएगा शेडो नहीं थी, उसने ऊपरी और नीचे तरफ से कोई भी शेडो नहीं छोड़ी थी। तो बिना शेडो छोड़े हुए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग में देखेंगे तो कोई भी शेडो आपको दिखाई नहीं दे रही। इसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल का मतलब होता है जब उसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हो, और ये जो वॉल्यूम्स हैं वो बेसिकली सपोर्ट लेवल पे हैं। तो पहले तो वीकली चार्ट के अप ट्रेंड लाइन ने बोल दिया है कि भैया अब तो सेलिंग आने वाली है, भयंकर वाली सेलिंग, भयंकर वाली सेलिंग कहते हैं जिसे। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि अभी इसका जो टारगेट है वो 15,200 के आसपास का लग रहा है, 15,200। आप बोलेंगे अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 15,200 का लेवल टारगेट आएगा, आएगा जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि चार्ट ऐसा कह रहा है। कहना चाहूँगा हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक या इंडेक्स में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। फिलहाल अब वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 15,200 लग रहा है। अब मैं जाता हूँ मंथली चार्ट पे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें ट्रेड बनाने पड़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक जाना पड़ता है, तभी आप बड़ा पैसा मार्केट से बनाएंगे। बड़ा पैसा बात करते हैं ना, बड़ा पैसा लाखों रुपये करोड़ों रुपये की जो बात करते हैं वो तभी बनता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेड बनाया और अगले दिन उठे और आपने देखा आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या लाखों रुपए, ऐसा नहीं होता। उसमें एक प्लानिंग होती है, उसमें स्टडी होती है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बनाते हैं, थोड़ा उसमें रिस्क भी होता है। तो सबके मिशन से दोस्तों बड़ा पैसा बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आपने ट्रेड तो बना लिया, अब ट्रेड बना लिया तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हमें
क्या अभी होल्ड करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अब मंथली चार्ट पे यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखाई दे गया है। अब इसे बोलते हैं कन्फर्मेशन से कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशन के ऊपर कन्फर्मेशंस आ रही हैं, कन्फर्मेशन के ऊपर कन्फर्मेशन आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस पूरे हैं, पूरा टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए कि यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, यहाँ पे आपको निडर होकर ट्रेड बनाना है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है। और यकीन माने दोस्तों, जब हम निडर होकर ट्रेड बनाते हैं ना पूरी स्टडी के साथ, और जब बड़ा पैसा आता है, एम टू एम बड़ा दिखता है ना, तो वही कॉन्फिडेंस दोस्तों आपको आगे लेके जाता है और आप एक बड़े ट्रेडर मार्केट में बनते हैं। बड़ा ट्रेडर कब मार्केट में बनता है? जब वो निडर होकर काम करता है, पूरी स्टडी के साथ काम करता है, प्लानिंग के साथ काम करता है। और जब बड़ा पैसा आता है तो बड़े पैसे से उसको कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलती है, और तब वो दोस्तों एक बड़ा ट्रेडर बन पाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टडी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों कि एक ये देखिएगा, शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी, जो हमने आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, 16782 रुपए का इसका क्या है, लो है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का जो लो है वो है 16782 का। अब एक लेवल है, ये लेवल आप लिख लीजिए 16782, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है दोस्तों। और जब ये ब्रेक होगा, जब यहाँ पे ब्रेक होगा, तो उसके बाद मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग चालू कर सकते हैं, आप पुटे बाय कर सकते हैं। हालांकि मैं मना करता हूँ कि मंथली वीकली पे पुटे मत खरीदिए, कॉल पुट बाय मत करिए, बट कहीं ना कहीं आप ये पोजिशन बना सकते हैं अपनी। आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं, आप कॉल सेल करके चल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इसका सेल कर सकते हैं। और हाँ, हालांकि मुझे उसके बाद एक बड़ा एसएल दिखेगा, वहाँ पे एक बड़ा एसएल देखने को मिलेगा, बट वहाँ से पोजीशन बन जाएगी कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। और उसके बाद का जो टारगेट आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 14,800 रुपये का। हालांकि अब वीकली ने तो सेलिंग की कन्फर्मेशन दे दी है, मंथली की भी सेलिंग कन्फर्मेशन आ सकती है। तो कहना चाहूँगा, अभी यहाँ पे पोजीशन अगर आप सेल करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप ये लेवल ब्रेक होता है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक ना करके आप क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं। और मार्केट में अगर मार्केट क्रैश हुआ, जो चार्ट ऐसा कह रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे आप बड़ा पैसा बनाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हमने भी ट्रेड बनाए और हमने राइड करा, और उसे राइड करा और मार्केट हमारे फेवर में चला, तो बड़ा पैसा बना। आपने देखा कई लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख के स्क्रीनशॉट भी हमने देखने को मिलेंगे, हालांकि उनके पास बड़ा पैसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास बड़ा पैसा है, आप छोटे पैसे को बड़ा कर सकते हैं। छोटे पैसे को बड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आपका आपने जो भी ट्रेड बनाया है, आप उस पर प्रॉफिट राइड करें। आप प्रॉफिट बुक ना करें, प्रॉफिट को राइड करें। जब प्रॉफिट राइड होगा, आपका बड़ा पैसा बनेगा। आपका 50,000 है, 50,000 से 5 लाख बनाएंगे ना, तो दोस्तों उसमें आपकी कामयाबी है। 5 लाख या 10 लाख से 50,000 कमाएंगे तो दोस्तों उसमें, हाँ लगी, वो भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। पर दोस्तों मज़ा तब है ना जब 50,000 से 5 लाख, 10 लाख बनाए। 10 लाख से 50,000, 20,000 तो कोई भी बना सकता है। अब यहाँ पे हमने बड़े सारे स्क्रीनशॉट्स दिखे होंगे मार्केट में, बट उनके पास फंड ज़्यादा होता है, वो 10 रुपये 20 रुपये के लिए वो काम करते हैं, और फिर वो 2 लाख 2.5 लाख के स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, आपको लगता है बड़ा पैसा बनाया। बट आपने देखेंगे बाइंग और सेलिंग के ट्रेड्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप बड़ा पैसा कमाएं, और बड़े पैसा बनाने के लिए आप उसमें बड़ा राइड लीजिए। कि आपने मान लो कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी है और उसको आप बेच रहे हो 500 रुपये पे, 600 रुपये पे, 700 रुपये पे, तो वो उसमें मजा आ रही है दोस्तों। तो वो नहीं है कि 10-20 रुपए के लिए काम कर रहे हो। आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो, और ये दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसका आप फायदा उठा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो निफ्टी का लेवल है 16782 का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और वीकली चार्ट पे तो दोस्तों ये लेवल ब्रेक हो चुका है, वीकली चार्ट पे ये लेवल ब्रेक हो चुका है। बट दोस्तों मंथली में भी कन्फर्मेशन बाकी है, अभी भी ट्रेड बना सकते हैं सेलिंग का। थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करता है और होगा, मार्केट थोड़ा बाउंस बैक दिखाएगा, तो वो सिर्फ जो सेलर है उनकी पोजीशन एग्जिट करवाएगा। और दोस्तों वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने भी दोस्तों पहले से अपनी पोजीशन सेलिंग करी है, हालांकि मैंने पहले बाइंग करी थी निफ्टी, और उसके बाद लास्ट वीक मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके सेलिंग बनाना चालू करी, और आज भी मेरी पोजीशन शॉर्ट में है। और दोस्तों बड़ी क्वांटिटी मैंने सेलिंग करी हुई है निफ्टी की, काफ़ी पुटे ली हुई हैं, और उसमें कॉल राइटिंग भी है मेरे पास, कॉल भी सेल कर रखी है, साथ साथ फ्यूचर भी सेल कर रखे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे फेवर में मार्केट जाएगा, तो दोस्तों मैं बड़ा पैसा मार्केट से कमाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी मार्केट से बड़ा पैसा कमाएं। तो निफ्टी का जो लेवल था जिसके बारे में मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई, वो मैंने दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों,
कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन का कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसकी फीस दोस्तों 8,000 है, जिसमें 28 वीडियोज हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिड वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और दोस्तों पीडीएफ फाइल वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें मैं आपको टेलीग्राम चैनल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक पब्लिक चैनल है, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलता है। पब्लिक चैनल तो दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, 43,432 के आसपास सब्सक्राइबर है, इसमें चार्ट एनालिसिस लिखेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है जो कोर्स के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें आप ऐड होंगे, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, ये चैनल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा चैनल है, कॉन्टेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें, और कोई भी डाउट रहता है मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर है। साथ साथ दोस्तों संडे को मैं वेबिनार करता हूँ, कल भी मेरा वेबिनार है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन का कोर्स है जो 11,000 रुपये का है। साथ साथ कहना चाहूँगा इसमें 59 वीडियोज़ हैं, और देखिए टेक्निकल एनालिसिस आपको डायरेक्शन में हेल्प करता है कि मुझे कब खरीदना है, मुझे कब बेचना है, क्या मेरा एसएल हो सकता है, क्या मेरा टारगेट हो सकता है। बट दोस्तों आप ऑप्शन स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, स्ट्रेटजी मेकर बन सकते हैं कि भैया मुझे कवर्ड कॉर्ड में काम करना है, मुझे कोई मार्केट को हैज करना है, मुझे पता है मार्केट ऊपर जा सकता है बट कम रिस्क में मुझे कैसे काम करना है वो आपको पता चलेगा। उसके पे ऑफ्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी कैसी होती है, ग्रीक्स को कैसे चेक करना है, ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा कैसे रीड करना है, सारी चीज़ें दोस्तों इस कोर्स में बताई हुई हैं। साथ साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो भी खरीद सकते हैं, इसमें 2,000 रुपीज़ का आपको ऑलरेडी डिस्काउंटेड कोर्स है ये। तो आप जरूर दोस्तों कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं मार्केट में, 70-80% की एक्यूरेसी पाना चाहते हैं मार्केट से, दोस्तों एक कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई मैं 1-2 लाख रुपए के कोर्स नहीं बेचा, कोई 40-50 हज़ार के कोर्सेज नहीं है, सिर्फ 8,000 का कोर्स है, वो आप वो जरूर परचेस करिएगा, क्योंकि जो मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे निचोड़ के मैंने डाला हुआ है, तो मैंने इसमें कुछ छुपाया नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा नीचे 2 ब्रोकर के लिंक हैं, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो भी मैं आपको संडे का वेबिनार लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। साथ साथ कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप वीडियो देखते तो लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी करा करिए, कमेंट भी करा करिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।